अरे हवे नजर करे देश ना टॉप 9 न्यूज पर। देश में छेल्ला 24 कलाक में 23,529 नवा केस सामे आव्या, 311 लोकोना मौत थया, तेमज 28,718 लोको साजा थया। देश में संक्रमितोनी संख्या वधीने 3.37 करोड़ नी पार पहुंची, ज्यारे 4.48 लाख थी वधु लोकोना मौत थया, 3.30 करोड़ थी वधु लोको साजा थया। देश में हजु पण 2.70 लाख एक्टिव केस, देश में रिकवरी रेट 97.85% पर पहुंच्यो। स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार देशभर में अत्यार सुधी में 88,34,00,000 थी वधु लोकोने कोरोना नी रसी आपवामां आवी। देश में हवे विद्यार्थी अने बाळकोना कोरोना थी संक्रमित थवानी घटना में दिन प्रतिदिन वधारो आई रह्यो छे। मुंबईनी KEM मेडिकल कॉलेज में 29 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव मळी आव्या। 27 विद्यार्थी तो कोरोना वेक्सिन बन्ने डोज लीधा होवा छतां तेमने कोरोना थयो। कोरोनाग्रस्त 29 विद्यार्थियों में 23 MBBS ना सेकंड ईयर ना अने 6 MBBS ना पहला वर्षना विद्यार्थी। दिल्ली में रामलीला अने दुर्गा पूजा मनावानी अनुमति आपी देवामां आवी। DDMA सार्वजनिक स्थळोए रामलीला दशहरा दुर्गा पूजा समारंभ की अनुमति आपवानो निर्णय कर्यो। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटीए छठ पूजा ने लगती सूचनाओं जारी करी। कोरोना ने जोता जाहिर स्थळोए छठ पूजा ना आयोजन पर प्रतिबंध मुकवामां आव्यो छे, साथे लोकोने तेमना घरमां छठ पूजा की अपील करवामां आवी। वडाप्रधान मोदीए जयपुर में 4 मेडिकल कॉलेजों शिलान्यास कर्यो। आ प्रसंगे वडाप्रधाने कह्युं कि आ महामारी में दुनियाए घणु बधु शीख्युं छे, खास करीने हेल्थ सेक्टर ने लईने प्रत्येक देश तेमनी रीते लड़ी रह्या छे। तेमणे कह्युं कि भारत तेनी ताकत अने प्रतिबद्धता साथे दरेक समस्या हल करी रह्यो छे। ताजेतरमां शुरू करायेला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देशना दरेक खूणामां आरोग्य सेवाओने वधारवामां मदद करशे। दिल्ली सरहद पर खेडूतोना विरोधने लईने दाखल करायेली अरजी पर सुप्रीम कोर्टे केन्द्र सरकारनी झाटकणी काढी छे। कह्युं के कायदानु पालन थाय ते सुनिश्चित करवानुं काम तमारुं छे। सरकारे खेडूतोने सरहद परथी हटावाना पगले हवे पगला लेवा जोईए। कोर्टे जाहेर स्थळोए धरनाना मामले स्पष्ट मार्गदर्शिका आपी छे। आवी स्थितिमां सरकारे एमनुं एवुं न कहेवुं जोईए के अमे ते करवा सक्षम नथी। एर चीफ मार्शल VR चौधरी भारतीय वायुसेनाना नवा प्रमुख बनी गया छे। तेमणे RKS भदौरियानी जगह लीधी छे। नवा IAF चीफ चौधरीए वायुसेनाना वेस्टर्न एर कमांडना कमांडर इन चीफ तरीके सेवा आपी छे। एर चीफ मार्शल RKS भदौरिया पासेथी नवा वायुसेना प्रमुख तरीके पदभार संभाळ्यो हतो। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया आजे वायुसेनामांथी निवृत्त थई रह्या छे। उत्तर प्रदेशना गोरखपुरमां प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ताना शंकास्पद मौतनो मामलो गरमायो। सीएम योगी टूंक समयमां पीड़ित परिवारने मळशे। आ वच्चे प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्तानो पोस्टमोर्टम रिपोर्ट आव्यो, जेमां कहेवामां आव्यो के मनीष गुप्तानो मौत पोलीस द्वारा निर्दयताथी मार मारवामां आवता थयुं छे। मनीष गुप्ताना शरीर पर 4 गंभीर ईजाना निशान जोवा मळ्या। आ केसमां 3 पोलीस सहित कुल 6 लोको सामे हत्यानो गुनो दाखल करवामां आव्यो। महाराष्ट्र ATS द्वारा शंकास्पद आतंकवादी जाकिर हुसैन शेखनो साथी मोहम्मद इरफान शेखनी धरपकड़ करवामां आवी। बॉम्ब ब्लास्ट द्वारा देशने हचमचावी देवाना कावतराना संबंध बाद धरपकड़ करवामां आवी। आ पहला ATS द्वारा अन्य आतंकी जाकिर हुसैन शेखनी मुंबईना जोगेश्वरी विस्तारमांथी धरपकड़ करवामां आवी हती। मेघालयमां गुजारो अकस्मात सर्जायो। तुराथी शिलोंग जती एक बस रिंगणी नदीमां खाबकी हती। आ अकस्मातमां अत्यार सुधी 6 લોકોના મોત થયા છે। બસમાં 21 મુસાફરો સવાર હતા, અન્ય મુસાફરોને બચાવવા માટે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે। અકસ્માત નોંગશ્રમ પુલ પર થયો, જે પૂર્વગારો હિલ્સ અને વેસ્ટ ખાસી હિલ્સ જિલ્લાની સરહદ છે।